Now we will start a new chapter. This is appeal, chapter 29 of CRPC. It starts from section 372 to 394. We will discuss provision of this chapter. थोड़ा सा इसके संबंध में पहले आप मेरे से सुनिए, फिर बेर एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस दे रखे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपील है क्या? सामान्य तौर पर, सामान्य शब्द के आधार पर आप सब जानते हैं कि अपील का मतलब क्या है। अपील का मतलब है कि एक याचना करना कि सब ये जो बात, जो निर्णय है वो गलत है। अर्थात इसको यदि शब्दों में बांटें कि जो सबॉर्डिनेट कोर्ट है, अधीनस्थ न्यायालय है, तो सबॉर्डिनेट कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें कोई त्रुटि है, कोई गलती है, तो उसको सुधारने की जो प्रोसीजर है, सुधारने की जो प्रक्रिया है, और वो है वरिष्ठ न्यायालय के पास, सीनियर कोर्ट के पास, दैट इज कॉल्ड अपील। इट मीन्स फॉल्ट्स विच आर क्रिएटेड बाई द कोर्ट इन ट्रायल टू रिफॉर्म और टू इम्प्रूव बाई द सीनियर कोर्ट। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ये सामान्य भाषा में, क्योंकि अपील की डेफिनेशन सीआरपीसी में कहीं नहीं दी हुई है। डेफिनेशन क्लॉज में इसका, अपील के बारे में डेफिनेशन क्लॉज में नहीं दिया हुआ है कि अपील होती क्या है। तो विभिन्न केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने बताने की कोशिश की कि जो ट्रायल कोर्ट ने जो भी त्रुटियाँ कर दी हैं, एक पार्टी कहती है कि त्रुटि है, दूसरी पार्टी कहती है सही है। तो जो पार्टी कहती है कि कुछ त्रुटि की है, कोई फॉल्ट है, उन फॉल्ट्स को रिमूव करना, उनको सुधारना, ये अपील कहलाती है। देखो, हम और आप सब जानते हैं कि जो कोर्ट निर्णय कर रही है, हो सकता है उससे गलती भी हो। तो एक प्रक्रिया है कि यदि गलती होती है तो उससे ऊपर हर कोर्ट का, सिवाय सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर या हाई कोर्ट को छोड़कर, कुछ मामलों में अपील के प्रावधान सभी के लिए दिए हुए हैं, वो उसकी प्रक्रिया को सुधारते हैं। जैसे एक सामान्य चीज़ें पहले पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, अन्यथा सेक्शन वाइज इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम उलझ जाएंगे कि अभी यहाँ ये बात आई थी, अब यहाँ ये आ गई। तो कोशिश करेंगे जिससे कि आपके दिमाग में एक बार समझने के बाद स्ट्रक्चर फॉर एवर रहे कि ये प्रोविजन है, लगभग ऐसा ऐसा होता है अपील में। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई कोर्ट, जो नीचे की कोर्ट है, वो गलती कर सकती है। हो सकता है कि ट्रायल में उसने कुछ ऐसा छोड़ दिया हो जो आवश्यक था, लेकिन उसे लगा कि नहीं ये गलत है, और अपीलेंट कोर्ट उसको मानती है कि नहीं नहीं ये तो सही था, और जजमेंट उलटते भी हैं, बहुत सारे जजमेंट उलटते हैं। तो उसके लिए प्रोविज़न दे रखे हैं 372 से लेकर 394 तक के प्रोविजंस, जिन्हें हम आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो, एक बात सबसे पहले मोटा मोटा हम ये देख लें कि कोर्ट कौन सी होती है जो अपीलेंट कोर्ट है। जैसे मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अपील है, पहले थोड़ा थोड़ा अपीलेंट कोर्ट्स को देखेंगे। तो ये अपीलेंट कोर्ट नहीं है, इसके पास किसी की अपील नहीं आती है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। तो इसका मतलब कौन से हैं? जीएम आ गए, एसीजीएम आ गया, और सीजीएम आ गया। सीजीएम के संबंध में कुछ और डिस्कशन करेंगे, है ना। तो इन कोर्ट्स के, मतलब सीजीएम कभी कभी अपील सुन सकता है,
जिसको अलग से एडिशनल में वो बना देता हूँ, क्योंकि मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा है तो ऐसा लगता है। लेकिन सीजीएम कब सुन सकता है उसको डिस्कस करेंगे हम। वैसे सीधे सीधे इट इज़ नॉट ए अपील एंड कोर्ट, तो ये अपील की कोर्ट है। फिर कोर्ट ऑफ सेशन आते हैं, और फिर हाई कोर्ट आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट आता है। ये हम सब लोग जानते हैं, लगभग सबको ये बातें पता हैं कि ये इसकी अपील यहाँ होती है, इसकी अपील यहाँ होती है, और इसकी अपील यहाँ होती है। अब चूंकि इसमें ये प्रावधान दे रखा है, ये प्रोविज़न दे रखा है कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड फॉर बाई दिस कोड और बाई एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बींग इन फोर्स। ये जो लाइन दे रखी है कि नो अपील शैल लाई, तो जब तक किसी जजमेंट या ऑर्डर की, अब कोई क्रिमिनल कोर्ट की किसी जजमेंट ऑर्डर की अपील नहीं होगी जब तक कि सीआरपीसी में प्रोविज़न ना दे रखे हों या किसी अन्य कानून में कोई प्रोविज़न ना दे रखे हों। तो एक तरह से इसका उल्टा करके पढ़ें तो सिर्फ ये कहना चाहता है कि अपील सिर्फ तब होती है जब प्रोविज़न दे रखे हैं, प्रावधान है, और प्रावधान नहीं है तो अपील नहीं होगी। अर्थात अपील के लिए प्रोविज़न होना ज़रूरी है, हर मामले में अपील नहीं होती है। लेकिन जहां अपील नहीं होती है तो वहां दूसरे प्रोविज़न है रिवीजन के, उनको आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बात आपके समझ में आई कि जहां प्रावधान है वहीं अपील होगी। ये इसके सेक्शन 372 ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, 372 ने स्पष्ट कर दिया कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट ऑर्डर ऑफ ए क्रिमिनल कोर्ट एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय द सीआरपीसी और एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इसका मतलब ये है कि जहां प्रोविजन नहीं है वहां अपील नहीं होती है, अर्थात इसमें जो प्रोविजन दे रखे हैं उन्हीं के अंतर्गत अपील होती है, अन्यथा अपील नहीं होती है। बहुत सारे मामलों में इस बात को, वैसे तो बेरेक्ट में ही लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे मामलों में इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। प्रीतम सिंह बनाम पंजाब राज्य में कहा, यशवंत बनाम महाराष्ट्र राज्य में भी कहा कि जब तक प्रावधान नहीं है कोई कोर्ट अपील नहीं सुन सकती है, प्रोविज़न के अंतर्गत ही अपील सुनी जाती है। अब इसमें क्या है कि बाद में एक प्रोविजो जुड़ा हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखे रखना है। 372 का प्रोविजो जुड़ा है, इसमें लिख दिया कि प्रोवाइड दैट विक्टिम शैल हैव अ राइट टू प्रीफर एन अपील अगेंस्ट एनी ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट एक्विटिंग द एक्यूज्ड और कन्विक्टिंग फॉर अ लेसर ऑफेंस और इम्पोजिंग inadequate compensation and such appeal shall lie to the court to which appeal ordinary lies against the order of conviction of such court। देखो ये इन्होंने ये कहा कि जो कोर्ट है, जो भी न्यायालय है, वो न्यायालय जिसने या तो किसी अभियुक्त को एक्विटल कर दिया है, या तो एक्विटल कर दिया है या सजा कम दी है या अपर्याप्त कंपनसेशन दिया है, तो ऐसे मामले में अपील, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, पीड़ित भी अपील कर सकता है। वैसे अभी तक इस बात पे आए नहीं हम कि कौन अपील कर सकता है कौन नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये नया प्रोविज़न आया है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस पर कि क्या विक्टिम भी अपील कर सकता है। जैसे आपको ध्यान आ रहा होगा, मैंने बताया था सीआरपीसी के पुराने प्रोविजन्स में कि कोर्ट के सामने दो पार्टी होती हैं, एक पार्टी एक्यूज्ड है और एक पार्टी गवर्नमेंट है, और एक पार्टी कंप्लेनेंट हो सकता है यदि प्राइवेट कंप्लेंट पर कोई
मामला आया है तो कंप्लेनेंट हो सकता है, ठीक है ना, या इन कंप्लेंट में ऐसे लोग भी आते हैं, जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जैसे मान लो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कोई पावर दे रखी है किसी एक्ट में कि भई आपके खाद में कोई मिलावट कर रहा है, इस तरह की बिक्री कर रहा है, तो आप कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो ये जो प्रोविज़न है ये कंप्लेंट के अंतर्गत आते हैं। तो एक तरह से दो पार्टियां हो गई, एक तो ये हो गई पार्टी और एक पार्टी को इसको इधर मान लेते हैं। तो कोर्ट जो जजमेंट देगी या तो इसके फेवर में देगी या इसके फेवर में देगी, एक्यूज्ड है तो उसे एक्विटल कर देगी, ठीक है, और गवर्नमेंट है या कंप्लेनेंट है तो उसके फेवर में भी हो सकता है तो एक्यूज को पनिश कर देगी। लेकिन एक और चीज़ है, चूंकि विक्टिम की तरफ से गवर्नमेंट केस लड़ती है, जो कॉग्निजेबल मामले हैं उन मामलों में, और जो नॉन कॉग्निजेबल मामले हैं, असंगे मामले हैं, उन मामलों में कंप्लेंट आ सकती है या कंप्लेंट पर फाइल कॉग्निजेबल मामले भी आ सकते हैं। तो इस स्थिति में मान लो ये जो पीड़ित है जिसकी तरफ से गवर्नमेंट केस लड़ रही थी, तो एक्यूज्ड को मान लो जिसमें 3 साल सजा होनी चाहिए उसमें कोर्ट ने 3 महीने की सजा दे दी, और एक्यूज्ड को लगा कि ये तो मेरे साथ अन्याय हो गया और 3 महीने की सजा तो कम है, तो या कम कंपनसेशन दे दिया, तो गवर्नमेंट अपील नहीं करना चाहती, तो यहाँ विक्टिम को ये राइट दे दिया कि आप अपील कर सकते हैं। ये राइट विक्टिम को चला गया, पीड़ित को चला गया, तो पीड़ित भी अपील कर सकता है, ठीक है ना। तो क्या समझ में आई कि अपील सिर्फ वहाँ होती है जहाँ प्रावधान हो, लेकिन विक्टिम भी अपील कर सकता है। ये एक नया प्रोविज़न है कि विक्टिम भी अपील कर सकता है। किन आधार पर? आधार है कि या तो एक्यूज्ड को दोष मुक्त कर दिया गया है, या एक्यूज्ड को जिस पे ज़्यादा कंपनसेशन लगना चाहिए वो कंपनसेशन कम था, या उसको सजा कम कर दी गई है, तो ऐसी इन आधारों पर जो पीड़ित है, पीड़ित भी अपील में जा सकता है। तो दोनों पार्टीज में से कोई अपील करेगी, ठीक है। अब चूंकि यहाँ हमने सेक्शन 372 को पढ़ा, तो सबसे पहले कहा इसने नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी जजमेंट और ऑर्डर इफ देयर इज नो प्रोविजन। यदि प्रावधान नहीं है कहाँ, किसी भी कानून में, सीआरपीसी में हो या अन्य कानून में हो, तो हमें वो सीआरपीसी ने जिन मामलों में अपील मना कर रखी है, पहले उन प्रोविजंस को देख लेते हैं, कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिनमें सीआरपीसी में अपील मना कर रखी है, जहाँ अपील होगी नहीं, भाई जहाँ अपील नहीं होगी उन मामलों को देख ले। तो इसमें मेरे सामने 3 बातें आती हैं। तो जैसे पहला तो हम यही कह सकते हैं कि जब प्रावधान ना हो, इफ देयर इज नो प्रोविजन, तो अपील नहीं होगी। ये अभी हमने पढ़ा 372 में। दूसरी और कौन सी स्थिति हो सकती है सब, जब अपील नहीं होगी? और कौन सी स्थिति हो सकती है? संस्वीकृति के आधार पर किसी की दोष सिद्ध हुई है, अब संस्कृति के आधार पर दो सिद्धि का मतलब क्या है साहब, है ना? मतलब किसी ने कन्फेशन किया, कन्फेशन के आधार पर कन्विक्शन हो गया, कन्विक्शन एट द ग्राउंड ऑफ
कन्फेशन, तो किसी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अभी ट्रायल जब पढ़े थे, हर ट्रायल में आपने पढ़ा था कि एक व्यक्ति अपना जुर्म स्वीकार कर लेता है तब न्यायालय उसे दोष सिद्ध कर सकेगा, करेगा ऐसा नहीं, कर सकेगा। आधार पर, दोष सिद्धि के आधार पर ये अपील नहीं होती है, जब आदमी स्वयं स्वीकार कर रहा है तो नहीं होगी। लेकिन इसमें भी प्रोविजो है, प्रोविजो को आगे करेंगे। इसमें भी एक प्रोविजो है जिसके आधार पर, जैसे मान लो एक आदमी एक किसी छोटे मामले में कन्फेशन करता है और मजिस्ट्रेट है या वो कोर्ट है वो अपनी सारी क्षमता का दंड उसको दे देती है, तो उसके उसके प्रमाण के आधार पर कि उससे सजा कितनी मिली, उसके आधार पर उसे अपील में जा सकता है। लेकिन एक मोटा मोटा देख रहे हैं कि अपील कहाँ कहाँ नहीं होती। और फिर तीसरी स्थिति क्या है, लघु मामले, छोटे मामले, मामले में अपील नहीं होती है। अब देखो एक चीज है, लेकिन इसमें भी कुछ प्रावधान जिनमें अपील होती है, कुछ प्रावधान है। तो जैसे इसमें तो था जो एक तरह से मान लो किसी ने जुर्म स्वीकार किया, दंड देना था कि साहब सामान्य दंड दे के या जुर्माना दे के छोड़ देंगे, लेकिन उसने पूरी सजा ठोक दी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में उसकी अपील हो सकेगी। तो इनके प्रोविजो हैं, लघु मामलों में अपील नहीं होती है। तो फिर एक बार ये तो 372 के संबंध में आपने देखा, 375 और 376, तीन सेक्शन ध्यान रखिएगा, 372, 375 और 376, ठीक है। ये तीन मामले एक तरह से ये कह रहे हैं कि अपील नहीं है। अब थर्ड को देख लेते हैं आगे, कि छोटे मामलों में या छोटे मामलों में अपील कैसे होती है, इसको हम देख लेते हैं। पहली बात तो इन्होंने मना किया कि अपील उन मामलों में नहीं होगी, तो यहाँ पे एक लिमिटेशन दे दी इनकी कि इससे ज़्यादा होगा तो नहीं। जैसे हाई कोर्ट है, किसी मामले में 6 महीने की सज़ा सुना दे और 1,000 रुपये तक का जुर्माना फाइन कर दे, तो इस मामले की अपील नहीं होगी। हाई कोर्ट ने यदि 6 महीने तक, मान लो 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 6 महीने की सज़ा सुनाई है या 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है, तो ऐसे मामले में अपील नहीं होती है, या एंड भी कर सकते हैं 6 महीने की सज़ा और 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया है तो भी अपील नहीं होगी। मतलब यदि 6 महीने से ज़्यादा की सज़ा दे दे, 1,000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना और भी लगा दे, तो उसकी अपील हो जाएगी, ठीक है। तो एक स्थिति तो यह हो गई। ऐसे ही हम कोर्ट ऑफ सेशन की देख लेते हैं, तो कोर्ट ऑफ सेशन में क्या है साहब, यहाँ सजा हो गई तीन महीने की, कि 3 महीने की सजा कोर्ट ऑफ सेशन ने दे दी है और 200 रुपये तक का जुर्माना कोर्ट ऑफ सेशन ने दे दिया है तो भी अपील नहीं होगी। कितने रुपए तक का, 200 रुपये तक का जुर्माना दे दिया है तो इसकी अपील नहीं होगी। ऐसे तीसरे में चले, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट भी यही स्थिति है, सेम है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की। और चौथा चले मजिस्ट्रेट की, तो मजिस्ट्रेट ने केवल 100 रुपये तक का जुर्माना लगाया है, केवल ओनली 100 रुपीज़ फाइन है तो उसकी अपील नहीं होगी।
और समरी ट्रायल में मजिस्ट्रेट ने, पांचवी स्थिति है कि मजिस्ट्रेट ने समरी ट्रायल में 200 रुपये तक का जुर्माना लगा दिया है, तो भी अपील नहीं होगी। तो 376 ने एक बात बताई कि इंडियन प्रोविजंस में ये लिमिटेशन है आपकी, मतलब अपील होती है लेकिन इन कंडीशंस में अपील नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रावधानों में ने ही मना कर दिया अंडर सेक्शन 376 ऑफ सीआरपीसी, तो इनमें मना कर दिया कि इनमें अपील नहीं होगी। अच्छा, और कहाँ नहीं होगी? देखो, कोई कंप्लेंट केस है और यहाँ ले लेते हैं 6 कंप्लेंट केस है, तो कंप्लेंट में क्या है कि कंप्लेंट केस में अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया और चूंकि हाई कोर्ट से अब परमिशन लेनी पड़ेगी अपील करने के लिए, और हाई कोर्ट ने वो अपील की जो परमिशन थी वो रिजेक्ट कर दी है, फिर उस मामले की जिसमें हाई कोर्ट ने रिजेक्शन कर दिया है कंप्लेंट केस में, तो अपील नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये 4-6 स्थितियां हमने देखी जिनमें अपील के लिए मना कर दिया कि इन मामलों में अपील नहीं होगी। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं कि अपील कर कौन सकता है। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो पार्टीज हैं या तो पार्टी के तौर पे कोर्ट के सामने एक्यूज्ड है या गवर्नमेंट है या कंप्लेनेंट है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हमें और एक बायफर्केशन कर लेना चाहिए। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि प्रोविजन के अकॉर्डिंग अभी बेर एक्ट को भी देखेंगे कि बेर एक्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। यदि हम सिर्फ और सिर्फ सीधे करेंगे तो एक उलझन पैदा होती है इसे पढ़ने में, और क्योंकि दूसरे सेक्शन हमें याद नहीं रहते हैं, तो मैं एक कॉम्पैक्ट एक बार आपको बता देता हूँ, सारा लेक्चर दे देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसमें प्रोविज़न देखेंगे। और चूंकि पढ़ाने का तरीका भी यही रहता है हमारा कि हम सारे चैप्टर को एक बार आपको सुना दें, जो भी पढ़ाना है लेक्चर में बताना है मैं उसे आपको एक बार सुना दूं अपने जो मुझे याद है, और फिर हम बेयर एक्ट में देख लें। हो सकता है कि मेरे से कोई चीज़ छूट भी जाए तो उसको भी देखने की वजह होती है। तो देखो, दो चीज़ें हैं कि एक प्रोविज़न आप लोगों को मैंने पढ़ाया था लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले प्रोविजंस, उन मामलों में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई दो सिद्धि नहीं हुई है किसी एक्यूज की, एक तरह से आप इसे ऐसे कह सकते हो कि निवारणार्थ अपराध निवारणार्थ तो अपराध के निवारणार्थ जो सूचना है, जो आदेश है, फॉर द मेंटेन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एनी ऑर्डर और इंफॉर्मेशन इज गिवन टू द एक्यूज्ड, ही इज नॉट एक्यूज्ड, एक्यूज्ड नहीं है वो, अभियुक्त नहीं है इस तरह, सिर्फ ऐसे व्यक्ति जिन्हें आपको ध्यान आ रहा हो कि 107, 108, 109 और 110 इन मामलों में 117 और 121 ध्यान आ रहा हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स पहले उसे ये पूछते हैं कि आप प्रतिभूति दो
और फिर प्रतिभूति के संबंध में सियोरिटी मांगी जाती है, सियोरिटी के नहीं देता है तो इसके संबंध में कार्यवाही की जाती है। तो एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उन ऑर्डर्स के संबंध में क्या प्रोविजन है। तो ये सारे के सारे ऑर्डर किसके द्वारा दिए जा सकते हैं? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन आ सकते हैं? एसडीएम आ जाएगा, एडीएम आ जाएगा, डीएम आ जाएगा। ये जो लोग हैं इनके द्वारा इस तरह के कोई ऑर्डर पास किए गए हैं तो उनके संबंध में अपील यदि जानी हो तो इन सेक्शंस में 117 और 121 की अपील कहाँ जाएगी? तो ये कोर्ट ऑफ सेशन में जाएगी। कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है, ठीक है। तो इन संबंध में कोर्ट ऑफ सेशन में अपील होती है। तो ये जो अपील है एक अलग तरीके की अपील हो गई। दूसरी अपील कन्विक्शन के मामले में जाती है या एक्विटल के मामले में जाती है। तो कन्विक्शन और एक्विटल के मामलों में जो अपील जाती है तो उनके संबंध में क्या प्रोविजन है उनको देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सारी अपील कौन कर रहा है? यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये अपील कर रहा है अभियुक्त। एक्यूज कर रहा है। तो एक्यूज की दो स्थितियाँ हो गई, एक तो ये स्थिति में अपील कर रहा है और दूसरा दो सिद्धि के विरुद्ध अपील कर रहा है। अपील अंगेंस्ट द कन्विक्शन, ठीक है ना, अगेंस्ट कन्विक्शन। तो जो अपील अगेंस्ट कन्विक्शन हो रही है उनके संबंध में क्या प्रोविजन है? अगेंस्ट कन्विक्शन हो रही है उनके संबंध में क्या प्रोविजन है? उन प्रोविजंस को हम देख लेते हैं। उनके संबंध में जैसे सबसे पहले देखते हैं सेक्शन 374 है। सेक्शन 374 है उसको देख लेते हैं। अब देखो जो अपील मान लो हाई कोर्ट ने कोई अपने जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन है हाई कोर्ट का उसमें उसने उन्हें क्या किया कि सजा कर दी, हाई कोर्ट ने सजा कर दी, हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया है तो सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाएगी। लेकिन ये की किस में गई हो? हाई कोर्ट के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में अपील की, कोई पनिशमेंट हुआ हो उस संबंध में। ये क्या है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरिजिनल क्रिमिनल ज्यूरिडिक्शन? कभी कभी क्या होता है कि नीचे कोई मामला चल रहा है, कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट को लगता है कि ये मामला प्रॉपर तरीके से नहीं चल रहा या ऐसा लग रहा है कि ये मामला हमारे द्वारा सुना जाना चाहिए, हाई कोर्ट ऐसा सोचता है, उस मामले को हाई कोर्ट अपने यहाँ मंगा लेता है। तो प्रोविजन ये है कि जब हाई कोर्ट अपने यहाँ किसी मामले को मंगाता है तो उसका ट्रायल का जो तरीका रहेगा उसका ट्रायल का तरीका रहेगा जैसे जो प्रोसीजर दे रखा है कोर्ट ऑफ सेशन का, जो सेशन ट्रायल है उसका उपयोग करेंगे वो, ठीक है ना। तो ये बात तो अलग रही कि सेशन ट्रायल का, लेकिन इससे संबंधित यदि हाई कोर्ट ने अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में कोई पनिशमेंट दिया है तो उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। फिर कोई क्योंकि 374 ने कह दिया कि अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, अदरवाइज तो सुप्रीम कोर्ट में अपील जो होती हैं मुश्किल से 2-3% अपील हो पाती हैं, बाकी 98% मामलों में रिजेक्ट हो जाती हैं। लेकिन चूंकि
किसी मामले में हाई कोर्ट ने ही स्वयं ट्रायल किया हो तो ट्रायल के बाद किसी दूसरी कोर्ट को तो एक बार मौका मिलेगा, हाई कोर्ट भी तो गलत हो सकता है, तो हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी, हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। 374 में यह प्रोविजन दिया हुआ है। यदि कोर्ट ऑफ सेशन है तो कोर्ट ऑफ सेशन है, इसमें एडिशनल सेशन जज भी आते हैं, है ना, एडिशनल सेशन जज भी आते हैं, और असिस्टेंट सेशन जज भी आते हैं। असिस्टेंट सेशन जज की पोस्ट राजस्थान में नहीं है लेकिन अलग अलग जगहों पे है। सॉरी, इस मामले में यदि 7 साल, सॉरी, इन्होंने कोई सजा दी है तो इन मामलों में अपील हाई कोर्ट में हो जाएगी। हाँ जी, तो कोर्ट ऑफ सेशन, असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज, और ये हाई कोर्ट में हो जाएगी। लेकिन मामले कौन से जिनमें 7 वर्ष या उससे अधिक की सज़ा दी गई है, तो प्रश्न उठता है क्या छोटे मामलों में जो 7 वर्ष या उससे कम की सज़ा दी गई है उन मामलों में सेशन जज की अपील हाई कोर्ट में नहीं होगी? होगी, उस प्रोविज़न को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ 374 को आप पढ़ते हैं तो उसमें यही लिखा हुआ है कि एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑन ट्रायल हेल्ड बाय द सेशन जज और एडिशनल सेशन जज और एनी ट्रायल हेल्ड बाय एनी अदर कोर्ट इन विच द सेंटेंस इज इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 7 ईयर्स हैज़ बीन पास्ड अगेंस्ट हिम और अगेंस्ट एनी अदर पर्सन कन्विक्टेड एट द सेम ट्रायल में अपील टू द हाई कोर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह से ये कह दिया कि सारे मामलों में, यहाँ एक ध्यान और रखने की योग्य बात है कि यदि एनी अदर कोर्ट का मतलब है कि ACJM CJM का भी है तो उन्होंने 7 साल या उससे अधिक की सज़ा दी है ना, तो उसकी अपील भी हो जाएगी हाई कोर्ट में। चलो नेक्स्ट है, और फिर नेक्स्ट चलते हैं ACJM CJM 7 वर्ष तक की करते हैं तो कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है ना। तो ये जो अपील थी एक्यूज्ड की जिनमें सजा हो रही थी, तो एक तरह से देखो और ब्रीफ करें तो हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में हो जाती है और कोर्ट ऑफ सेशन की हाई कोर्ट में हो जाती है और मजिस्ट्रेट्स की, जो मैं पहले ही बता चुका, कोर्ट ऑफ सेशन में हो जाती है। लेकिन इनके प्रोविज़न हैं, जैसे हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में मामला सिर्फ तभी जाएगा जब उसके ओरिजिनल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन में ऐसा कर दिया है, तो
कोर्ट ऑफ सेशन से कब जा रही है वो, और मजिस्ट्रेट कोर्ट से जा रही है कब। अब यहाँ कुछ थोड़ा सा समझने योग्य बातें हैं, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन के और CGM ACGM की अपील को भी उन्होंने ये दिया हुआ, जैसे 14 साल की अपील की सजा ACGM CGM 14 साल तक की सजा कर सकते हैं, जैसे 7 साल तक की सजा है, जैसे 7 साल तक की सजा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कई मामले एक साथ हों और उनकी कैलकुलेटेड पनिशमेंट हो तो वो 14 साल तक हो सकता है। जैसे एक मजिस्ट्रेट 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, 10,000 रुपये तक का जुर्माना दे सकता है, लेकिन कैलकुलेटेड सज़ा है कई सेक्शंस की, कई अपराधों की एक साथ, तो वो 6 वर्ष तक हो सकती है। ऐसे ही ACGM CGM में वो 14 वर्ष तक हो सकती है। तो ऐसे मामलों की सज़ा की अपील वहाँ हो जाएगी, हाई कोर्ट में हो जाएगी। अब जैसे मैंने एक बार आपको अभी बताया था, कि हम पढ़ रहे हैं कि अभियुक्त कब कब अपील कर सकता है, तो आपने 2-3 चीज़ें देखी, 373 को देखा, 374 को देखा, है ना। एक 374 के बाद जब हम चलते हैं, 375 मैंने डिस्कस किया था अभी थोड़ी देर पहले, कि कोई व्यक्ति यदि कन्फेशन कर लेता है तो उसकी अपील नहीं होती है, ये हमने डिस्कस किया था। लेकिन उसके सजा कितनी दे दी है उसके आधार पर उसकी अपील हो सकती है, ठीक है ना। तो उसकी अपील कैसे होगी, किस में होगी, उसकी अपील कहाँ होगी, कैसे होगी, तो सिंपल जो प्रोविज़न अभी डिस्कस किए थे उन्हीं प्रोविज़न के आधार पर होगी। जैसे मान लो कन्फेशन के आधार पर सेशन कोर्ट ने ज़्यादा सज़ा दे दी है, जो सज़ा नहीं देनी चाहिए थी ज़्यादा दे दी है, तो उसकी हाई कोर्ट में हो जाएगी, और JM कोर्ट ने दे दी है तो सेशन के हो जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में हो जाएगी, क्योंकि 375 देखेंगे कि अपील इन सर्टेन केसेस व्हेन एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, तो हाई कोर्ट की और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स की, इनकी भी कोर्ट ऑफ सेशन में होती है। और 376 हमने पढ़ा ही था अभी, कि उन मामलों में अपील ही नहीं होती है, दोनों ही मामले हैं, 375 में कन्फेशन की थी, द एक्यूज प्लीड्स गिल्टी, और 376 में मैंने भी आपको बताया था जो लघु मामले हैं, जो छोटे केसेस हैं, उनमें अपील नहीं होती है। फिर यहाँ पर चले जाते हैं हम, कि उच्च न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति को दोष सिद्धि में उलटने पर अपील उच्चतम न्यायालय में हो जाती है। देखो कभी कभी क्या है, 379 है ये, कभी कभी क्या होता है कि मान लो हाई कोर्ट ने कोई केस अपने पास मंगाया है ना, हाई कोर्ट ने अपने पास मंगा लिया किसी केस को, ठीक है, और मंगा कर नीचे से अपने पास मंगाया, हो सकता है वो रिवीजन में मंगा लिया हो, मंगा कर उसमें कन्विक्शन कर दिया, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाएगी। अपने पास मंगा कर कन्विक्शन कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपील हो सकेगी। मतलब व्हेन हाई कोर्ट हैज रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एक्विटल एन एक्यूज्ड पर्सन एंड कन्विक्टेड हिम एंड सेंटेंस हिम टू डेथ और टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ
or to imprisonment for term of 10 years or more, he may appeal to the Supreme Court. मतलब यदि हाई कोर्ट ने किसी मामले को जिसमें जैसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कोर्ट ऑफ सेशन ने किया था किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया और हाई कोर्ट ने क्या किया कि उस मामले में उलट दिया और उलटने के साथ साथ उलटा ही नहीं, या तो डेथ पेनल्टी दे दी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दिया या 10 साल तक की सज़ा दे दी, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगी। तो लेकिन इनमें होनी चाहिए, 379 कहता है कि या तो डेथ पेनल्टी दी हो, जबकि कोर्ट ऑफ सेशन ने यहाँ पे दोष मुक्त किया था, या लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया हो, जबकि कोर्ट ऑफ सेशन ने उसे दोष मुक्त किया था, या 10 साल की सजा दी हो, 10 वर्ष या उससे अधिक की सजा दी हो, तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो जाती है। ठीक है ना, ऐसे ही फिर हम जब आगे बढ़ते हैं 380 में, तो यहाँ इन्होंने क्या कह दिया कि जैसे मान लो ए बी सी डी चार अभियुक्त हैं, इसको तो ऐसी सजा दी जिसमें अपील नहीं होती है, नो अपील, लेकिन इसमें डी को ऐसा किया कि इसको मान लो जैसे हाई कोर्ट की करें तो 6 महीने की सज़ा सुनाई और साथ में 20,000 रुपये जुर्माना से सुना दिया, अब अपील हो जाएगी, अब इनकी भी अपील हो जाएगी, इन अभियुक्तों की भी अपील हो जाएगी, क्योंकि ये इसके साथ है, है ना, ये सेक्शन 380 है, तो इनमें भी अपील हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं स्पेशल राइट ऑफ अपील। इट इज द स्पेशल राइट ऑफ अपील। खैर, और 375 में हमने देख ही लिया, 380 हो गया, और फिर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में 136 में होती है स्पेशल लीव पिटीशन, है सुप्रीम कोर्ट से एक अनुमति करनी होती है कि साहब मामला ऐसा है जिसमें आपके द्वारा ही सुनवाई होनी चाहिए, अपील आपके यहाँ सुनी जानी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इसको परमिट कर देता है, तो आर्टिकल 136 में अपील हो जाएगी। तो ये तो हमने जितनी भी अपील्स देखी ना अभियुक्तों द्वारा थी और कन्विक्शन में थी, तो इसको एक तरह से रिपीट किया जाए तो दो हिस्से हो गए, एक तो वो मामले जिसमें अपराध होने से रोकने के लिए जो अपीलें होती थीं वो वाली अपीलें हैं, और एक हिस्सा वो है जिसमें कन्विक्शन हो गया है वो अपील है। ठीक है ना, तो इनको इस हिसाब से अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा। अब बात आती है कि गवर्नमेंट कब कर सकती है, क्योंकि गवर्नमेंट भी एक पार्टी है, तो यहाँ पे जो पार्टी की बात करें तो अभी दो पार्टी रह गई, एक तो कंप्लेनेंट रह गया और एक गवर्नमेंट रह गई, तो गवर्नमेंट कब अपील कर सकती है। देखो, इन सारे मामलों में जिनमें अभियुक्त ने अपील की थी, दूसरी तरफ पार्टी कौन है, गवर्नमेंट है, कंप्लेनेंट भी हो सकता है, कंप्लेनेंट की बात भी करेंगे, तो गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कब अपील करती है, तो जैसे हम जाते हैं सेक्शन 377 पर कि कन्विक्शन सफिशियंट नहीं है या कंपनसेशन सफिशियंट नहीं है, जैसे अभी हमने 377 को देखा
और ऐसे ही विक्टिम के संबंध में 372 के प्रोविजो में देखा, 372 के प्रोविजो में देखा कि कन्विक्शन कन्विक्शन कम है, इनसफिशियंट कंपनसेशन है, तो ऐसी स्थिति में विक्टिम जा रहा था। यहाँ 377 में गवर्नमेंट जा रही है, तो गवर्नमेंट अपील कर सकती है तो अपील बाय द स्टेट गवर्नमेंट अगेंस्ट द सेंटेंस। यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट को अपील करने का जो राइट दिया हुआ है, तो एक तो राइट आ गया इन एडुकेशन पर, अपर्याप्तता पर, इन एडुकेसी ऑफ सेंटेंस। इन एडुकेसी ऑफ सेंटेंस का मतलब क्या है कि जो दंड दिया गया था वो पर्याप्त नहीं है, तो अपील हो जाएगी। अब अपील की स्थिति क्या है कि जैसे जेएम की अपील है, जेएम है, एसीजेएम है, सीजेएम है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, इन सब की अपील कहाँ जाएगी, कोर्ट ऑफ सेशन में चली जाएगी। कोर्ट ऑफ सेशन में ये अपील हो जाएगी, ठीक है। और क्या हाई कोर्ट में भी हो सकती है? मान लो कोर्ट ऑफ सेशन ने पारित किया है तो ये एचसी में हो जाएगा, हाई कोर्ट चला जाएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहीं पे हम आगे और ले लेते हैं, 378 को भी देख लेते हैं। 378 में कि किसी व्यक्ति को कोई अपराधी है उसको दोष मुक्त कर दिया, तो एक्विटल कर दिया, तो एक्विटल के आधार पर हाई कोर्ट अपील कर सकता है, सॉरी स्टेट गवर्नमेंट अपील कर सकती है यदि किसी भी व्यक्ति को दोष मुक्त कर दिया गया है। तो इसके लिए प्रोविजन दे रखा है 378 में दे रखा है। तो मामला कैसे है, अब यहाँ पे चले जाएं तो जैसे डीएम है, एडीएम है, एसडीएम है, तो इनके भी तो देखे थे अपने अभी 117 121 वाले मामले, तो इनकी अपील सारी की सारी कहाँ चली जाएगी, सेशन कोर्ट में। कोर्ट ऑफ सेशन में चली जाएगी। और यदि कोई कंप्लेंट है, कंप्लेनेंट है, तो कंप्लेनेंट ने कोई कंप्लेंट की और कोर्ट ने उस मामले में
कंप्लेंट जब मामला लेके आता है तो 190 में कॉग्निजेंस लेने के दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो सीधे कंप्लेंट ले ले कॉग्निजेंस लेके और ट्रायल शुरू कर दे, या किसी मामले को 156(3) में भेज दे। तो 173 में जब आएगा तो यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट आएगी, तो यह पुलिस रिपोर्ट पर आया है और यह कंप्लेंट पे आया है, तो कंप्लेंट पे आया है और कंप्लेंट ने जो कंप्लेंट की थी उसके आधार पर दोष मुक्ति हो गई है, तो हाई कोर्ट की परमिशन से अपील की जा सकती है। और हाई कोर्ट ने परमिशन दे दी है, जैसे जेएम ने किया तो सेशन में हो जाएगी, सेशन ने किया है तो हाई कोर्ट में हो जाएगी, यहाँ पे एक तरह से। लेकिन 156(3) में आया है तो वो तो पुलिस रिपोर्ट पर से मामले हो गए जैसे पहले थे, उन मामलों में सारे वही प्रोविजन लागू हो जाएंगे। तो मोटे मोटे जो मुझे अभी याद आ रहे थे वो लगभग चीज़ें इसमें आ गई हैं इस लेक्चर में। और होता क्या है, अपील कैसे होती है, एक याचिका के तौर पर होती है, पिटीशन जिसमें जो याचिका के तौर पर है और उसमें कोई ना कोई ग्राउंड बताना पड़ता है आपको कि आधार क्या है। जब तक आधार नहीं है तब तक तो अपील एक तरह से कोर्ट का विवेक है कि उसको सुने या ना सुने। हो सकता है कि कोर्ट एडमिशन स्टेज पर भी अपील को खारिज कर दे, क्योंकि मैंने आपको एक केस बताया था अभी थोड़ी देर पहले, प्रीतम सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि आधार विहीन कोई अपील है और फिर भी कोर्ट सुन रही है तो इट इज़ द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट और टू एडमिट द अपील और नॉट टू एडमिट द अपील इट इज़ द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। ये बात इन्होंने यशवंत बनाम महाराष्ट्र राज्य में भी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में भी रिपीट की है। इस बात को इन्होंने रिपीट कर दिया कि ऐसी स्थिति हो तो अपील ग्राउंड के आधार पर होनी चाहिए, प्रोविज़न तो होना ही चाहिए लेकिन उसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। तो जब इस तरह की अपील की जाती है तो उसकी प्रक्रिया है कुछ कि एक तो याचिका के तौर पर होनी चाहिए, लिखित में होनी चाहिए, और जो जजमेंट हुआ है, जो ऑर्डर हुआ है, सेंटेंस का जजमेंट हुआ हो या ऑर्डर हुआ हो तो उसकी कॉपी होनी चाहिए। तो एक तो ये पिटीशन के तौर पे और दूसरी कॉपी ऑफ जजमेंट भी होना चाहिए उसके साथ, ठीक है ना, कॉपी ऑफ जजमेंट होना चाहिए कि क्या है, सर्टिफाइड कॉपी होनी चाहिए उसकी। और यदि अभियुक्त जेल में है तो ये अपील जेलर के माध्यम से भी की जा सकती है, जेलर के माध्यम से यदि जेल में अक्यूज है तो उसके माध्यम से भी अपील की जा सकती है। और ऐसा लगता है कोर्ट को कि न्याय हित में नहीं है या कोर्ट का टाइम बर्बाद करने की कोशिश की गई है तो कोर्ट एडमिशन स्टेज पर भी अपील को डिसमिस कर सकती है, उसे दोबारा भी सुना जा सकता है। जब भी अपील कभी की जाती है तो इसकी सूचना जैसी भी स्थिति है APPPP जो भी हैं उनको भी दी जाती है, उनको भी कॉपी दी जाती है। और जहाँ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात है, सुप्रीम कोर्ट की बात है तो अटॉर्नी जनरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जा रहे हैं तो अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, इनको भी सूचना देना ज़रूरी है, उनके पास भी कॉपी जाएगी।
सेक्शन 378 में ये लिखा हुआ है कि जो मामले हाई कोर्ट में अपील में जाते हैं तो उनके संबंध में एक हाई कोर्ट से फॉर्मल याचना कर की जाती है कि साहब आप हमारी अपील को सुन लो। तो एक तरह से जब तक हाई कोर्ट परमिट ना करे तब तक अपील नहीं होगी। जैसे आपको ध्यान आ रहा हो कि मैंने अभी 136 की बात की सुप्रीम कोर्ट में अपील के, आर्टिकल 136 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपील जब वहाँ सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से एक तरह से स्पेशल लीव मांगते हैं, स्पेशल अनुमति मांगते हैं कि आप, तो यहाँ 378 में भी इसी तरह से है कि जब तक आप उनसे अपील नहीं करेंगे, उसे प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक नहीं। और फिर दोनों पक्षों को सुनकर 385 में लिख दिया है कि दोनों पक्षों को सुनकर अपील का निस्तारण होगा, दोनों पक्षों को सुना जाएगा। तो अपील में पुनः वो पूरी ट्रायल नहीं होती है, वो ग्राउंड जिन ग्राउंड के आधार पर अपील आई है सर हमारा ये एविडेंस नहीं हुआ या हमारी जो भी बातें हुई या यहाँ गलती है, तो उन आधारों पर अपील पर बहस होती है। वो एक कोई ट्रायल नहीं होता, पुनः सारा ट्रायल होता हो वो नहीं होता। ट्रायल सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज किसी भी मामले की, किसी भी एडवोकेट को समझना चाहिए कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेज है उसकी ट्रायल। अपील इम्पोर्टेंट स्टेज नहीं है। अपील में तो आप जो ट्रायल में गलती हो गई, जो जज ने गलती कर दी या आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उसी के लिए तो आ रहे हैं। असली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ट्रायल। ट्रायल में तो हर बात का छिद्रान्वेषण होता है, एक एक चीज़ पर फोकस किया जाता है। जिसने ट्रायल बहुत अच्छे से किया उसका केस उसके पक्ष में डिसाइड होने की संभावना ज़्यादा है। अपील मोटी मोटी बातों पर होती है कि साहब ये रह गया, पूरी ट्रायल थोड़ी हो रही है। हाँ, अपीलेंट कोर्ट को वो सारी पावर होती है, वो एविडेंस दोबारा ले सकती है, वो मामले को दोबारा रिमांड करके नीचे भेज सकती है, रिवर्स कर सकती है, उलट सकती है मामले को। तो वो जो सारे प्रोविज़न हैं जो वो कर सकते हैं वो तो सारा कर सकते हैं, लेकिन ट्रायल में समझता हूँ ट्रायल बहुत महत्वपूर्ण स्टेज है किसी भी मामले की। तो ट्रायल पर प्रत्येक एडवोकेट को ज़्यादा जोर देना चाहिए कि उसके क्लाइंट के पक्ष में डिसाइड हो सके। तो 386 से लेके 394 तक, 386 से 394 तक पावर्स दे रखी है, अपीलेंट कोर्ट की पावर है। और उस अपीलेंट कोर्ट की पावर्स में वो सारी पावर दे रखी हैं, जैसे अपील न्यायालय क्या कर सकता है, मामले के निर्णय को उलट सकता है, दोष सिद्धि को दोष मुक्ति में परिवर्तित कर सकता है, पुनः विचारण कर सकता है, नए साक्ष्य लेने के लिए निर्देशित कर सकता है, कोई नया फाइंडिंग कर सकता है, कोई और सजा दे सकता है, मतलब सारा की सारी पावर है। और इवन जो सजा नीचे की कोर्ट ने दे दी है तो उसको स्टॉप कर सकता है जब तक कि अपील का निस्तारण ना हो जाए, SOS आप सब लोग जानते हैं, सेंटेंस ऑफ सस्पेंशन, तो सेंटेंस ऑफ सस्पेंशन कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं 389 में वो प्रोविज़न दे रखे हैं। जो क्वेश्चंस इसमें आए हैं, एक आया है अपील की परिभाषा बताइए, एक्सप्लेन व्हाट इज़ द अपील, कब अभियुक्त को मर जाने पर अपील उपशमन नहीं होती है, ये मैंने पता है नहीं आपको। एक मजिस्ट्रेट को 325, ये मैं सारे क्वेश्चन हैं, करीब 20 क्वेश्चन हैं, तो कल बेयर एक्ट को देखेंगे इस लेक्चर में, और कि बेयर एक्ट में क्या रह गया है जो मैंने नहीं बताया है, मैं एक बार बेयर एक्ट को पढ़ूंगा, जो मुझे अभी याद था वो मैंने आपको एक लेक्चर के तौर पर सुना दिया। अब हम बेयर एक्ट में देखेंगे और साथ में ये सारे क्वेश्चंस को भी करने की कोशिश करेंगे कल के लेक्चर में। आज इतना ही।